कमर में क्या हींग हींग नहीं है, बाजा है उनका। क्या वो देखने में सींग आता है लेकिन उसको बाजे के रूप में उन्होंने रखा हुआ है। वो जो ज्ञान बोलते हैं ना, वो ज्ञान भी एक तरह का सींग का काम करता है। जानवर क्या करता है, किसी को मारेगा तो कैसे मारेगा, सींग से मारेगा। उनका सींग भी बाजा है क्या? और ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु का रचयिता कौन? शिव है। शिव है, शिव है। तो उससे आपने नहीं पूछा तुम कहाँ से आए? तो आत्मा कहाँ से आई उनसे पूछो, उनसे पूछो तुम कहाँ से आए। बोलते हम तो आत्मा है, तो तुम्हारी आत्मा कहाँ से आई? आत्मा कहाँ से आई? शिव बाबा से आई। और तो मैं मुसलमान होगा, मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने धरती बनाई, अल्लाह मियाँ ने हमको बनाया, अल्लाह मियाँ ने तुमको बनाया। ऐसा नहीं है, उसको बताओ कि आत्मा को अनादि है, आत्मा कभी बनाई नहीं जाती, और आत्माओं का बाप भी कभी बना बनाया है, बनाया नहीं जाता है। लाता की ज्योति कोई फूल ज्योति है जो प्रकट होगी, वो ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान के आधार पर संसार में प्रकट होती है। सारी दुनिया समझती है कि ऐसा ज्ञान तो इस मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य मात्र में ना पहले था ना हुआ और ना आगे करके कोई मनुष्य के अंदर ऐसा ज्ञान होगा। जिसमें आता है मुकर्रर रस के रूप में, वो भी पहले क्या था, ज्ञानी था, अज्ञानी था, अज्ञानी था। तो वो भी उस तरह की ज्ञान ज्योति वाला नहीं है। ब्रह्मा तो विष्णु बोला है, विष्णु को प्रवृत्ति मार्ग का मुखिया कहेंगे, है प्रवृत्ति मार्ग का मुखिया है, विष्णु की माला बनती है प्रवृत्ति मार्ग में। मुखिया एक होता है, प्रवृत्ति मार्ग होगा, मुखिया एक होता है। अगर हम कहें ये युगल मुखिया है तो ये रंग है, क्योंकि युगल में भी एक मुखिया है और एक असिस्टेंट है, तो दो को मुखिया नहीं कहेंगे। और विष्णु एक नहीं है, दो भी नहीं है, पांच है, पांच आत्माओं का कॉम्बिनेशन, उनके स्वभाव संसार का कॉम्बिनेशन, वो विष्णु कहा जाता है। हाँ ये कहेंगे उन पांचों आत्माओं में कोई एक आत्मा है जो जन्म जन्मांतर ऐसा पार्ट बजाती है कि उसमें विष अर्थात विषय विकार विविचार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए उस एक आत्मा को वैष्णो देवी का टाइटल, प्रकृति मार्ग का नंबर वन तो कहेंगे ना, उसको प्रकृति मार्ग के फाउंडेशन को डालने वाला विष्णु ही है ना। विष्णु जो डालने वाला हो खुद भी तो प्रकृति में होना चाहिए, प्रकृति में होगा। अभी वैष्णवी प्रकृति में, जो वैष्णवी है वो प्रकृति में है, लेकिन प्रकृति तो बनेगी ना। घी की बात देखता है, जब आएगी तब तो प्रकृति, घी की बात भी देखी जाती है।
वर्तमान देखा जाता है, इसलिए वो एक व्यक्ति नहीं है। ये विष्णु सिंह कॉम्बिनेशन बोलिए, बोला है विष्णु क्या होता है, कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण कंबाइन तो उनको विष्णु, हाँ दो लक्ष्मी नारायण है, और फिर दो दो क्यों हो गए थी, एक राधे कृष्ण की आत्मा जो सोलह कलाक तक पूर्ण बनते हैं, वो दो हो गई और दो संगम हुई होगी चार, और एक जगदम्बा की प्रवृत्ति नहीं बन रही, फिर वो सोली प्रवृत्ति, जगदम्बा की भले प्रवृत्ति ना हो लेकिन माँ के रूप में वो है जो सारे जगत की अम्बा है। उसमें तो ऐसी कर्मों की प्रवृत्ति बनेगी ना, ऐसी कर्मों की जगदम्बा की भी बनेगी, अगर उसकी खुद की प्रवृत्ति नहीं बनेगी तो फिर जगदम्बा की पूजा हिंदुओं में नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, एक टाइम था हाँ जब दुर्गा शंकर नाम पड़ता है, उनकी भी तो प्रवृत्ति बनेगी ना पालू की, हाँ जी बनेगी बाबा, चंद्रमा के दो चक्कर मारा है, चंद्रमा के नासा के द्वारा दो चक्कर मारा गया, दो चक्कर मारा गया, हाँ हाँ तो चक्कर तो मारते ही रहते हैं। चंद्रमा जो ज्ञान चंद्रमा है, वो ज्ञान चंद्रमा उसके ऊपर जो ज्ञान की चक्कर लगती है महावाक्यों की, उसके लिए कोई निमित्त होता है या नहीं होता है, है? होता है। पहले भी 69 में आर्म से स्ट्रांग हुआ वो भी तो चंद्रमा तक गया या नहीं गया, नहीं गया, पूरी सफलता उसे नहीं मिली, एक एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब ये जो ग्रह उपग्रह होते हैं वो तो छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है, छोटा रूप होता है, ज्ञान के जो पत्थर है वो छोटा रूप है या बड़ा रूप है, ज्ञान के जो पत्थर है वो अति सूक्ष्म है, इसकी भी चक्कर लगती है, जैसे हाथी तो बहुत बड़ा होता है, हाथी बड़ा होता है लेकिन उसमें गोली लगाई जाती है वो बहुत बहुत छोटी होती, वो स्थूल बातें हैं। पहले ज्ञान की इतनी तीखी चक्कर नहीं मारी जाती थी, तीखी मूर्ति को, और अभी अभी तीखी चक्कर लग रही है या धीमी चक्कर हो रही, सीखे सीखे ज्ञान बाण निकल रही। जिससे भक्ति मार्ग में रामायण बनती है, दिखाते हैं कि राम ने रावण को तीर मारा, रावण एक या रावण अनेक अनेक, फिर उनमें नंबर वार सिर होंगे या एक जैसे सिर होंगे, तो अव्वल नंबर सिर कौन सा, इसलिए वेदों में एक ऋचा आई है रावण और ब्रह्मा, क्या वो क्या किसी की आंख में आ नहीं रही है, जब टाइम आएगा तो साक्षकारों की बुद्धि में आ जाएगा कि वास्तव में जो रावण का प्रैक्टिकल रूप है ब्राह्मणों की दुनिया में
वो अज्ञान है या ज्ञान है? अज्ञान है। विदेशियों की आत्मा तो ज्ञान में तीखी होती है, बुद्धि में तीखी होती है या मंदबुद्धि होती है? ज्ञान में तीखी होती है। भारतवासियों को तमो प्रधान होने पर जड़ बुद्धि कहेंगे, लेकिन वही भारतवासी जब भगवान आता है, आत्मा की पहचान लेता है, तो प्रैक्टिस करने से वो सूक्ष्म बुद्धि बनते हैं या तीव्र बुद्धि बनते हैं? तीव्र बुद्धि बन जाते हैं। लेकिन कृष्ण की आत्मा वो मंद बुद्धि की मंद बुद्धि ही रहती है या तीव्र बुद्धि रहती है? अभी भी मंद बुद्धि। लेकिन अति काम तो होता है, कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा कि रावण की बुद्धि भस्म होगी और राम की विजय होगी, तब भस्म होगी। कब भस्म होगी? वो माता का पार्ट है ना, देह अभिमान माता में ज्यादा होता है या पुरुष में ज्यादा होता है? माता में देह अभिमान जास्ती होता है, जास्ती देह अभिमान के कारण उनका एक विशेष अवगुण है जो जल्दी जाता ही नहीं। जो अव्यक्तवाणी में बोला है कि माताओं ने अगर मोह के ऊपर जीत पाली तो समझो विजयी होगी। तो माताओं की माता कौन है? जगदम्बा को भी चलाने वाला कौन है? ब्रह्मा। सर के ऊपर सवार है चंद्रमा की रूप में, वो ब्रह्मा वाली तोल अभी भी मोह में आ रही है। मोह में आती है तो बार बार कहां पहुंचती है? छोटी बच्चियों की पालना करने के लिए कौन जाती? इसलिए बोला मोह सकल व्याध मित्र मूला। मोह का नाश हो जाए तब खेल खराब हो। रावण के नाभि में ज्ञान बल मारा गया ना, ज्ञान बल कौन सा? नाभि कोई दूसरी चीज नहीं है, विष्णु की नाभि से कौन निकला? ये ब्रह्मा रूपी अधूरा जो स्वरूप है कहां से निकला? विष्णु की नाभि से निकला। और विष्णु की नाभि से जो भी नशे नानियां 16,000 निकलती है, वो स्पष्ट कर रही है बात कि नाभि कौन है? विजय वाला का है। वहां बुद्धि रखी हुई है रावण की। क्या विभीषण ने ये तरीका बता दिया? और पट्टी खोल दी सीता नाभि है, उसमें रावण की बुद्धि दही हुई है। मन बुद्धि रूपी आत्मा कहां रखी हुई है? नाभि में रखी हुई। नाभि फूटेगी तो अज्ञान फूट जाएगा, रावण खलास हो जाएगा। मोह रखा हुआ है रावण का, ना भी हाँ आवाज आई?
ब्रह्मा देवता नहीं बने, हंसा बने, ब्रह्मा देवता नहीं बने, परीक्षा बने, क्या ब्रह्मा देवता इन लोगों का गायन क्यों है? हाँ, भारतवर्ष में सभी को मान दिया जाता है, क्या किसी का अपमान भी किया जाता है? सबको मान दिया जाता है, और वास्तव में तो अकेले ब्रह्मा की बात नहीं है, सारे ही ब्राह्मण देवता बनते हैं, या कोई ऐसा ब्राह्मण भी है जो देवता नहीं बनता है? कच्चे ब्राह्मण से भी देवता नहीं बनेंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे, तो ब्रह्मा के लिए ऐसी क्या दुश्मनी है? जो ब्रह्मा देवता है कहने से आपको इतनी एनर्जी आ रही है? हाँ 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 तो उठा दो। हाँ मैंने अखाड़ी नजरी को बाप प्रचंड होने वाला है, और उनके उनके बताने से बाप की प्रचंडता होगी? जो खुद बेसिक के बच्चे हैं, बेसिक नॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बाप को प्रचंड करेंगे? अरे जो पहचान वाले होंगे वो प्रत्यक्ष करेंगे, या देश के नाले नहीं लेने वाले प्रत्यक्ष करेंगे? कौन बन जाएंगे संपूर्ण? दिल के वाले संपूर्ण बन जाएंगे? आपकी नजर उनके ऊपर बहुत रहती है, आप सदैव उन्हीं को देखते रहते हैं क्या? है जब निर्माण का परिवार है लगता है, टीचर बहनों को देखते रहते हैं आप? अच्छा, एकदम टीचर नहीं दिखाए, बदलिया दिखाई पड़ती है क्या? अष्टदेव जो है वे नव ग्रह के रूप में माने जाते हैं, उसमें पृथ्वी भी ग्रह ही है, तो पृथ्वी तो जगदम्बा को कहा जाता है, पृथ्वी की ग्रह के रूप में क्या मान्यता है? पृथ्वी को नीचे कहेंगे या पृथ्वी को ऊपर कहेंगे? और ग्रहों के मुकाबले पृथ्वी नीची स्टेज में है या ऊंची स्टेज में है? नीची स्टेज। इसलिए नौवां ग्रह जो है उसको देव के रूप में नहीं माना गया, देव के रूप में उसकी पूजा नहीं हो रही है, अक्ष की पूजा हो रही है, वो भी दक्षिण भारत में मूर्ति बनाकर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, और उत्तर भारत में मंदिर और मूर्तियां अष्ट देव की नहीं बनाते हैं, ऐसे ही पटली के ऊपर नवग्रह बनाते हैं, उसके साथ साथ पटली की भी माने संपूर्ण जीवनी माने जीवन देने वाली, बूटी माने ज्ञान की बूटी, संपूर्ण ज्ञान का जो जीवन दे दे वो ही संजीवनी बूटी। जैसे कोई ज्ञान में से टूट जाता है, बहुत से ज्ञान में से टूटे हुए हैं, यहाँ बहुत तेरे ऐसे होंगे जो बेसिक ज्ञान से टूट गए थे, आप उठाओ कितने हैं? चलो 10-15 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ही टूटे हो, अनिश्चय बुद्धि हो गए हो, बीके में जाना बंद कर दिया हो,
हाथ उठाना जरा, बीके में ऐसे कितने थे जो अनिश्चय बुद्धि होकर के बैठ रहे थे, बाद में उनको संजीवनी मुक्ति मिली और कर्तव्य हो गए। दो है, तीन, चार, पांच, जिंदगी क्यों उठा रहे? डर रहता है कहीं पता नहीं बाबा क्या बात निकाल दे, हमारा झंडा नीचे हो जाए। बाबा सत्तर एमएम के अमेरिका में विराट का चलचित्र बन चुका है। सत्तर एमएम के अमेरिका में विराट का पूरा फिल्म बन चुका है। सत्तर एमएम का चित्र बन चुका है, टीवी में बताया है। सत्तर एमएम का, सत्तर एमएम का टीवी में विनाश का चित्र बन चुका है, ये बताया है। टीवी बन चुका है, बारह 2012 अरे वही माया सभ्यता वाली सीढ़ी जिसे बताया गया 2012 में विनाश होगा, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप इसलिए उसकी बात कर रहे हैं कि आप उससे ज्यादा प्रभावित हैं, उनकी प्रजा आपको ज्यादा बनना है और भगवान के देवी देवता सनातन धर्म में प्रजा कम बनना है ना, इसलिए आप उसी का चिंतन करते रहते हैं और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सारी सभा के अंदर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहता है, अरे बाबा ने जो बात बोली है वो सच्ची होगी, उसका मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। यह दुनिया दुनिया की बातें सुनाती रहती है, उन बातों का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि और दुनिया जो कुछ बोल रही है उसका सही अर्थ उनको पता नहीं है। जैसे 2000 के लिए भी बड़े बड़े ज्योतिषियों की बातें सुनाई गई थी, वो सारी झूठी साबित हो गई। ऐसे ही 2012 के लिए जो ये चारों तरफ अफवाह उड़ रही है कि पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी, इस स्थूल पृथ्वी की धुरी पहले चेंज होगी या जो सूक्ष्म रूप में चैतन्य रूप में पाठ बजाने वाली पृथ्वी माता है उसकी बुद्धि रूपी धुरी चेंज होगी? पहले तो यहाँ चेंज होना चाहिए और उसी का यादगार वो अभी सीढ़िया बेड़िया बना के दिखा रहे हैं। बाकी 2012 में तो विनाश नहीं होने वाला है, निश्चिंत होकर पूछताछ करो। बाबा एक बिहारियों का त्योहार है, एक बिहारियों का त्योहार है छठ पूजा। कौन सी पूजा? देव छठ, देव छठ। हाँ, उसको देवताओं की छठ कहते हैं। छठ माता को पूजा करते हैं, छठ माता को पूजा करते हैं। हाँ, उसमें छठ माता कौन है? अब तुम समझ लो, एक है सूर्यवंश, एक है चंद्रवंश, एक है इस्लामी वंश, एक है बौद्धी वंश, फिर है क्रिश्चियन वंश, उसके बाद है नहीं मुस्लिम वंश के बाद, हाँ कन्यास वंश के बाद, पांचवे के बाद छठा कौन सा है? आज से 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब आए थे क्या, और उससे 100 साल पूर्व शंकराचार्य आए 1500 साल पहले, तो पांचवा नंबर किसका हुआ? कन्यास धर्म। और उसके बाद छठा नंबर किसका हुआ? है मुस्लिम धर्म। भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रदाय के लोग ज्यादा परसेंटेज में गरीब है या रईस है? ज्यादा परसेंटेज में गरीब है।
क्यों गली में है? नहीं बच्चे होने से कुछ नहीं होता, इस्लामियों के बहुत बच्चे होते हैं। दुनिया में इस्लाम धर्म की तादाद जितनी फैली और जितना लंबा समय उन्होंने राज्य किया उतना किसी ने नहीं लिया। तो मुसलमान जो है वो इतने जो गरीब बने उसका कारण क्या है? नहीं, इम्प्योरिटी तो इस्लामियों से ज्यादा होती है। अरे हिस्ट्री में वो बात विख्यात है, हाँ, जो लोग की वृत्ति है वो सबसे जाती कौन से धर्म में? मुसलमानों में। इसलिए भारतवर्ष का एक स्टेट ऐसा है जो सबसे ज्यादा गरीब है, इतना गरीब है कि अपने स्टेट में उनको धंधा धोड़ी भी नहीं मिलती, मजदूरी भी नहीं मिलती, कहाँ कहाँ भटकते और स्टेट में भटकते रहते। समझ में आ गया कि छठा धर्म है, जो छठा धर्म है वो किसको पूजेगा? छठे को ही पूजेगा या सातवें पांचवें को पूजेगा? कैसे कोई पूजेगा? बाबा सतयुग आदि में 9 लाख संख्या होती है और त्रेता के लास्ट में 10 करोड़, तो परसेंटेज में 111 गुना हो जाता है। परसेंटेज निकाला जाए तो 111 गुनी आबादी होगी। अब त्रेता के अंत में कितना वो त्रेता सतयुग के अंत में कितनी आबादी हो जाती है? 2 करोड़। वो कितनी गुनी हुई? आपने टोटल निकाल लिया लेकिन बीच बीच में अंतर काम करता है वो तो निकाला ही नहीं। और सतयुग त्रेता की तो बात छोड़ दो, किंतु वहां तो विकार और विचार होता ही नहीं, तो उसको द्वापर कलयुग से टैली कभी नहीं करना। और मुझे बोला कि मैं अगर जिन धर्मों की स्थापना करता हूँ, हाँ, ब्राह्मण धर्म जो बनती है, जिसका धर्म क्षत्रिय है, हाँ, तो तीनों के लिए बाबा एक ही युग निमित्त बनती है या तीन अलग युग निमित्त बनती है तीनों की स्थापना करनी? रुको रुको रुको, बीच में काम ना आओ। एक नियम है जो आपको भी मालूम होगा, जो पहला ब्राह्मण तो पहला ये बता, अभी फेल होने की बारी है या अभी पास होने की बारी चल रही है? ने? अपने अपने जीवन में क्या रियलाइज कर रहे हैं, क्या हो रहा है? फेल हो रहे। राम की आत्मा भी आदमी क्या हुई? फेल हुई। तो पहला ब्राह्मण तो पहला ये बता, वही पहला क्षत्रिय है तो पहला वैश्य और वही पहला शूद्र। तो आपको जवाब मिल गया कि नहीं? लेकिन जो भी 7 बार है वो 7 बार करते हैं, क्योंकि 7 नारायण जो है वो अधूरे हैं या संपूर्ण है? जो अधूरे हैं, जो अधूरा है वो वार करेगा, आक्रमण करेगा, फिर जो संपूर्ण है भरा पूरा है वो आक्रमण करेगा। भारत की परंपरा है कि भारतवासी जो सच्चा होगा वो कभी भी आक्रामक नहीं होगा, और जितने भी विदेशी है वो हमेशा आक्रामक बनते रहे, दूसरों के ऊपर वार करते रहे।
विस्तारवादी बने रहे। भारत को विस्तारवादी नहीं कहेंगे, तारवादी है या विस्तारवादी है, तारवादी है। तो जो आप नारायण हैं उनमें से एक भरपूर है या इनकम्प्लीट है? एक भरपूर है। हाँ, वो तो रविवार है ना, जिसको हम रविवार कहते हैं, जो रविवार कहते हैं वो रवि से तो सारे ही गरम गरम पैदा हो गए। वो अकेले रवि की भी वास्तव में औलाद नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग की औलाद है या निवृत्ति मार्ग की? ब्रह्मा कुमारी आदि निवृत्ति मार्ग की है या प्रवृत्ति मार्ग की? निवृत्ति मार्ग की। तो रविवार की बात नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी दूसरे दूसरे धर्म हैं वो सब गर्म स्वभाव वाले, चंद्रवंश को छोड़ करके। बाकी जो ज्ञान सूर्य शिव है, जो निराकार है, जो निराकार को फॉलो करने वाले हैं, वो सब चक्रवंशी से लेकर के और वंश वाले हैं। लेकिन एक सूर्यवंशी ही ऐसा है कि जब शिव आता है तो सूर्य को ज्ञान देता है। तो एक हो गए या दो हो गए? कितने हुए? प्रवृत्ति शुरू हुई या नहीं हुई? एक निराकार और एक साकार। इसलिए वो जो रवि जिसे हम कहते हैं वो उसका नाम नहीं है। इसलिए सात बार हैं जो वार करने वाले हैं। एक तो किसी के ऊपर वार करता ही नहीं, वो तो प्यार का सागर है, वार करने वालों को भी कन्वर्ट कर देता है। उन्होंने तो चक्कर उठा लिया। वो चक्कर तो पहिए का था, रथ का पहिया था ना, रथ कौन सा था? शरीर रूपी रथ हुआ ना, तो शरीर रूपी रथ के अंदर ही ज्ञान का चक्कर घूमता है कि नहीं दूसरा घूमता है? तो ज्ञान का चक्कर है। उन्होंने कोई हिंसा का तत्व थोड़ी उठा लिया। उनका जो विरोध है कि हम कोई हिंसक तत्व नहीं उठाएंगे, तो उन्होंने नहीं उठाया। दो गणेश जी, एक गणेश जी बैठा हुआ। हाँ, गणेश जी की गोद में भी एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बैठा हुआ। वो चित्र हमको दिखा और सब हम बात करें। और किसी ने देखा क्या? और किसी ने देखा नहीं, हम भी देखना चाहते। हाँ, नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं गणेश की गोद में ही गणेश जी बैठे, कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने में और देखने में अंतर पड़ जाता है। तो कुछ का कुछ सुनने में आ जाता है, कुछ का कुछ देखने में आ जाता है। इसलिए दिखाना और लक्ष्मी के साथ जैसे दीपावली में, दीपावली में
लक्ष्मी के साथ गणेश को दिखाते तो दीपावली नई दुनिया की शुरुआत है या नहीं है? नई दुनिया की शुरुआत है। तो सत्युग में जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तो लक्ष्मी जैसे ही बर्फ से बाहर निकलेगी तो बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? हाँ, जो बच्चा पैदा होगा उसको देह अभिमान है कि नहीं कि मैं गीता का भगवान हूँ? देवान खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा है। क्या अर्थात बात क्या हो गई? अच्छी बात है। हाँ वो तो ज्ञान मार्ग में भी कहते हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। भक्ति मार्ग की बात क्यों? वो तो सच्चाई है ना, सनातन सत्य है। एक आदमी से बात करनी है, एक आदमी सामने बैठा है तो इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है जो हाल के भीड़ की तरफ भी आवाज जाए? बाबा, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम छोड़ा गया उसका प्रभाव अभी तक बताते हैं। है? 20 मेगावाट का बम था। है? 20 मेगावाट के बताते बम थे। हाँ? और जब 1936 में 2036 में ये इतने बड़े बड़े बम छोड़ेंगे ये तो जबरदस्त बुद्धि चली। दूर की जोर सोच ली। जिस समय 20 मेगावाट का छूटा था उस समय दुनिया में मूसलाधार बरसात नहीं हुई थी और जब हजार हजार मेगावाट के फट पड़ेंगे उस समय क्या होगा? मूसलाधार इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कई दिनों तक कि दुनिया का टेम्परेचर ही एकदम जीरो से नीचे चला जाएगा। सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ जलमयी हो जाएगी। तो बर्फ में जो प्रदूषण होता है वो भी खत्म हो जाता है कि रह जाता है? वो भी खत्म हो जाता है। भारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मारा होता है तो वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं अर्जुन और अश्वत्थामा लड़ने के लिए तो दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा होता है। ब्रह्मा जी का अस्त्र है। शस्त्र किसका है? ब्रह्मा जी का। जो ब्रह्मा जी का शस्त्र है वो ब्रह्म जी को चलाना चाहिए और ब्रह्मा जी का शस्त्र है, ब्रह्मा जी का वरदान असुरों को फलित होता है या मनुष्यों को फलित होता है? असुरों को सारे वरदान मिले हुए हैं, उनका शस्त्र भी किसके ऊपर जाना चाहिए? असुरों के ऊपर ही जाना चाहिए। जो मनुष्य हैं उनके ऊपर चलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का तो विरुद्ध है, मनुष्यों को क्या बनाना है? ब्राह्मण बनाना है। तो सत्य कैसे चलाएंगे? न चलाएंगे न चलाने देंगे। ब्रह्मा तो दुनिया का सबसे बड़ी माँ है, रहमदिल है और सहन शक्ति वाली है। तो सहन करने का पाठ पढ़ाएगी या मनुष्यों को मारने का पाठ पढ़ाएगी? सहन करती रही, सहन करने का पाठ पढ़ाती है। बाबा ने बोला मैं किसी के पार्ट क्लियर करने नहीं आया हूँ। क्लियर तो आप ही करेंगे। आप ही करेंगे।
नाम पकड़ के माता करवाना चाहते हैं। बाबा ने बोला कोई के पास बाप दादा नहीं बता देंगे, न बोर्ड पर लिखकर बता देंगे, न कागज पर लिखकर बता देंगे। माता बहुत चालाक है, इनके बताओ उनके बताओ उनके बताओ, फिर हमारे भी बताओ। मन चिंतन मंथन आप जितना करेंगे उतना आपका अपना पास खुलेगा, या जो जितना मन चिंतन मंथन ज्ञान का करेगा उसका उतना उतना पास खुलता जाएगा। बाप दादा कोई का पास खोलकर नहीं बनते, सारे देते हैं ज्ञान के, उन ज्ञान के इशारों के आधार पर कोई का भी पास समझा जा सकता है, परंतु वो ज्ञान के इशारे भी तब डिक्लेयर हो सकते हैं जब वो पार्ट बजाने वाला कुछ ऐसा पार्ट बजा के दिखा दे। पार्ट ही नहीं बजा देगा तो डिक्लेयर कैसे होगा? अपनी अपनी भाषा के आधार पर, अपनी अपनी कर्मणा के आधार पर, अपनी अपनी दृष्टि के आधार पर, अपनी अपनी वृत्ति के आधार पर हर आत्मा अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी, उसकी वाचा ही उसके पार्ट को डिक्लेयर करेगी। और प्रूफ कैसे डिक्लेयर करेगी? मानना पड़ेगा कि हाँ इसका यही पार्ट है, दूसरा पार्ट किसी और का नहीं हो सकता। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के मुकुट पर मोती लटके हुए दिखाए गए, लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के मुकुट पर मोती लटके हुए दिखाए गए और नारायण के मुकुट पर नहीं दिखाए गए, और जो राधे कृष्ण का उसमें राधे कृष्ण के मुकुट पर मोती लटके हुए दिखाए गए और राधे के नहीं दिखाए गए। राधे को नहीं दिखाए गए, लक्ष्मी को दिखाए गए। जो लक्ष्मी है वो ऊंचे युग की है या नीचे युग की? वो तो ऊंचे युग की है। और जो नीचे राधा कृष्ण दिखाए गए हैं वो तो संगम युग के मुकाबले नीचे युग के। और लक्ष्मी को मोती दिखाए गए हैं, नारायण को मोती नहीं दिखाए गए। तो जो भी रतन है नौ रतन, उनमें मोती की वैल्यू और रत्न को मुकाबले कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। लक्ष्मी तो माँ है ना, इसलिए जो भी रत्न है उन रत्नों में अगर मोती के समान भी कोई रत्न है तो उनको भी सराहो में लगाती है। और बाप तो कमाऊ बच्चे को पहले पकड़ेगा, ज्यादा कीमती को पकड़ेगा या कम कीमत वाले को पकड़ेगा? ज्यादा कीमत वाले हीरे को पकड़ता है। और बाबा श्री कृष्ण को दिखाए गए, हाँ तो उनका तो क्या दिखाए गए? मोती का जोड़। वही तो बात नहीं, तो अम्मा का पार्ट है ना, संगम युग में अम्मा कौन है? ब्रह्मा ही तो अम्मा है। और सोनीपत के बारे में कहते हैं, श्रवण कुमार जो उन्हें माता पिता गोपाल की मिठाई दे रहा था तो सोनीपत ने आपसे ही अपने माता पिता से अपना भाड़ा मांग दिया था। भाड़ा मांग लिया माने किराया दे दो? किराया मांगा भाड़े में? हाँ उसका भाड़ा क्या मांगा? ये किसी को नहीं बता दिया, बस तेरा किराया मांगा ये पता। अरे पूरी बात बताओ तो कुछ खर्चे निकले। हाँ रावण के दशमुख जी खाते हैं ना? हाँ रावण द्वापर के आता है। हाँ रावण उनका द्वापर से ही पता दूसरी होती है, रावण की देहमान को ही दिखा देता है ना। तो रावण के बाएं पैर की जो पांच मुख दिखाए हैं वो पांच बाएं धन के मुख में दिखाया गया है। बाएं तरफ की जो पांच मुख है रावण का वो पांच बाएं तरफ के धन को दिखाया गया उसके अंदर, और दाहिने का जो पांच मुख है उसे प्रकृति के पांच तत्व को बताया गया है।
तो प्रकृति के पांच तत्व जो है वो दाहिने साइड के जो धर्म है उनका वो मुखिया वो काम कर रहे हैं क्या? बाम मार्ग की बाई ओर होगा और जो सीधा सीधा चलने वाला होगा वो दाई ओर होगा। चित्र तो चित्रकार बनाता है क्या, लेकिन हम सामने खड़े हैं देखने वाले, तो देखने वाले के लिए दाया हाथ का ये हुआ और बाया हाथ का ये हुआ। ये दाई ओर के जो धर्म है प्रकृति के पास वो भारतीय धर्म है, प्रकृति जो है वो जड़त्व में ही है, बुद्धि नहीं है उतनी। विदेशियों को ज्यादा बुद्धि होती है या स्वदेशियों को ज्यादा बुद्धि होती है? विदेशियों को ज्यादा बुद्धि, इसलिए वो बाई ओर दिखाए गए। दाई तरफ की आवाज बताया, दाई तरफ जो मुख है वो जो दाई तरफ में जो धन दिखाई गई है वो उसको मुखिया परिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? पांच मुख जो दाई तरफ का है वो पांच धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली आत्मा है क्या? ठीक है, ऐसे समझ लो मंत्री जो रावण बनते हैं तो दस धर्म की आत्मा है क्योंकि रानी रावण बन जाता है, राम रावण बनता है। अरे ये पांच पांडव भारतीय है या विदेशी है? ना वो कहाँ के हैं? भारतीय है। और भारतीय कमजोर होते हैं या पावरफुल होते हैं? कमजोर होते हैं। कमजोर का पक्ष लेने के लिए भगवान को आना आती हूँ और बाबा के लिए आती हूँ, लालच लालच में उनके बाबा मिल जाएंगे। तो बाबा मिल नहीं पाते बाबा नहीं मिल पाते माता बाबा मिलते ही नहीं कलक में। वो बोले माता माई है ना, अरे माता एक लालच से आते हैं कि बाबा की मुलाकात हो जाए। जब बाबा निवृत्ति मार्ग का है कि प्रवृत्ति मार्ग का? अरे बाबा निवृत्ति मार्ग का है कि प्रवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का है। माताओं का भी है तो पिताओं का भी है, बच्चियों का भी है तो बच्चों का भी है। आप ऐसे क्यों समझते हैं कि जब हम आएंगे माता इकट्ठी होंगी तब ही बाबा आएगा? ऐसी कोई बात नहीं, आ भी सकते हैं। वो तो हर शनिवार की बात संडे होता है तो उस संडे को अगर आए दूसरे दिन तो भाई भाई मिल जाएंगे, माता सारी मिल जाएंगी। अच्छा ये बात है, तो जितने भी आने वाले हैं वो लास्ट संडे को आएंगे। माता ये चाहती है कि जितने भी आने वाले हैं महीने में सिर्फ एक बार आए, यही यही मतलब है आपका, आपका यही मतलब है। क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि बाबा लास्ट संडे जब माताएं आती हैं शनिवार को तो लास्ट संडे को जरूर आएंगे क्योंकि माताओं का संगठन है। बाई चांस आ भी सकते हैं, बाई चांस आ भी सकते हैं। तुमको ये थोड़ी पक्का हो गया कि जब जब माताओं का संगठन होगा शनिवार और शनिवार के बाद रविवार आएगा तो बाबा जरूर आएंगे। वो दूर दूर की आए या नजदीक की आए, वो ऐसा योग लगाए कि बाबा अल्लाह संडे को ही आ जाए। भाई लोग ऐसा योग लगाए जब जब आए तो हर संडे को मिले। हरियाणा की माताओं को लगन लगी रही है संगम युग में, हरी आना हरी आना, वो लगन की तो यादगार है। झूठी बात है, हरियाणा में नहीं आया। गीता कई बार गीता पाठ बोला मुझे और
अब साहब की बातें ना करो, फरमान की बात एडवांस में जो रुद्र के बाप बच्चे हैं बाबा के, वो सवा दो लाख होंगे ना, सवा दो लाख होंगे रुद्रमाला के मर के सवा दो लाख होंगे ठीक है। समय में थे सब बच्चे, सब बच्चे शुरू में हैदराबाद में शहर के अंदर सब बाबा से मतलब ज्ञान लिए थे सारे बच्चे। अरे नौ लाख आबादी थी हैदराबाद की, चारों तरफ अखबारों में निकल गया क्या कि कोई आया है। और सबको साक्षात्कार हो रहे थे, वो भी बात अखबारों में आ गई। तो जब हैदराबाद के अखबारों में सब में सब गया तो ये बात चारों तरफ फैल नहीं गई कि भगवान आया हुआ, सारी पब्लिक ने जान लिया, नास्तिकों ने विश्वास नहीं किया। जो जितना परसेंटेज में आस्तिक थे वो भागे। अरे सूरज काम से निकलता है, पूरब में निकलता है, तो पूरब में जब भगवान आएगा तो पूरब में आवाज निकलती। अभी अगस्तवानी में बोला ना, दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। कलकत्ते से फिर आवाज निकलेगी, ज्ञान सूर्य बाप आया हुआ। तो पूरब से आवाज निकलती है माने पूरब से ज्ञान उदय होता है, पूरब से सूर्य निकलता है, तो जनता कहाँ जाके पश्चिम में ना। तो वो पश्चिम की यादगार है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। क्या साक्षात्कार हुआ वहां, साक्षात्कार हुआ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा या ज्ञान का उदय हुआ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। नारायण को पूरा पूरा कपड़ा पहना दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और लक्ष्मी को आधी बांह दिखाई। आज तक जो भी है नारी से लक्ष्मी बनने वाली कन्याएं माता है, वो ज्यादातर कंजू के अंत में विदेशियों से प्रभावित होती है या भाई ज्यादा प्रभावित होते हैं। कन्या माता जाती प्रभावित होती है, तो बिलावली बनती है आधे इधर बोले हुए और आधे पीछे बोले हुए। जब बिलावज भी ऐसे होंगे तो उनकी कुर्ती भी आधी बांध देखते रहो। नारायण को थोड़ा देवान कम होता है, पूरे कपड़े पहनता कच्ची कर रही ज्यादा ना बोल दान देते हैं जो ये भी सेवा करते हैं दान देते हैं बाबा को, जो भी दान देते हैं तो पैसा देते हैं पैसा भी तुम बाबा को पैसा देते हैं। यज्ञ में सेवा करते हैं तो क्या बाबा को डायरेक्ट देना चाहिए या नियमित बहन को किसी को देना अच्छा है? मुरली में बोला है ब्रह्मा कुमारी को या कोई को भी दिया तो हिसाब किताब देने लेने का आपका किसके साथ बनेगा? बाबा ने निमित्त बनाया, निमित्त बनाया वो ठीक है, लेकिन जहाँ बाबा अवेलेबल होता हो जिसके तुम भगवान कहते हो तो वो बराबर वितरण करेगा या कोई देहदारी ज्यादा वितरण बढ़िया करेगा? भगवान करेगा, भगवान वितरण अच्छा करेगा और देहदारी कुछ न कुछ देवान आएगा या नहीं आएगा, कुछ न कुछ स्वार्थ आएगा या नहीं आएगा, बोलो ना। हाँ अगर बाबा ने निमित्त बना दिया, उसको इंचार्ज बना दिया,
बाबा के हाथ में है, जब गड़बड़ देंगे तो दूसरे को मौका दो भाई। जिनको निमित्त बनाया है उनको जो कुछ दिया जाता है उसका बाबा से पावती दी जाती है। क्या तो पावती से समझ सकते हैं कि हमारा ठिकाने में पहुंच गया, यज्ञ में स्वाहा हो गया या नहीं हो गया। संकल्प से धारण होगी और कई आत्मा पावरफुल होती जाती है शरीर सड़ते जाते हैं। मुझे बोला कि आत्मा पावरफुल होती जाती है शरीर सड़ते जाते हैं। संकल्प से जो है तो लगभग 36 तक, मतलब इसका लिमिटेशन नहीं है कि मुझे है कि खत्म होना है, देवान नहीं आना है, क्योंकि बोले 36 में कंटेंट है तो नहीं था। संकल्प से कभी नहीं बनती है, लेकिन देवान में भी जैसा होता वैसी प्राप्ति। नंबर है ना, पुरुषार्थ में पुरुषार्थ करने वालों के नंबर है ना, नंबर वार पुरुषार्थ है तो नंबर वार प्राप्ति। इंडिकेशन है ना, इंडिकेशन है जितने भी प्याल सत्य हुए जाएंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा खुशी किसकी दिखाई पड़ेगी। अरे लक्ष्मी नारायण को सबसे ज्यादा खुशी में दिखाया जाता है, तो ऐसे ही नंबर वार खुशी होगी, वो खुशी ही दिखाएगी कि अव्यक्त निराकार इससे ज्यादा है। खुशी नहीं है तो देवान के जो सबसे लास्ट में जो सबसे लॉट आत्मा उतरेगी परम धाम से, उसको जो है आगे पुरुषार्थ करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। वो क्या पुरुषार्थ करेंगे? वो पुरुष है या कीड़ा मकोड़ा है? हम जो पूछ रहे उसका जवाब दो। वो अपने को शरीर रूपी सूरी में चयन करने वाली आत्मा कभी समझ पाती है? नहीं समझ ही नहीं पाती। इसलिए 500-550 करोड़ हमसे मुरली में बताए हैं, कभी कभी बोल दिया है कि 700-750 करोड़ मनुष्य है, वो वास्तव में मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य उनको कहा जाता है जो मन का उपयोग करे, मन चिंतन मंथन करे, बरसात का पतंगा रात में जन्म लेता है, रात में ही खत्म हो जाता है। ये कीड़े मकोड़े ये क्या मन चिंतन मंथन करेंगे? वो मनुष्य के नाम पर कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य तो वास्तव में है ही नहीं। कीड़े मकोड़े क्यों रहे थे? बाप को पूरा पहचानेंगे तो देवता नहीं बनेंगे, जानवर बनेंगे। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाति छोड़े ही है, लेकिन 84 लाख मनुष्य योनियों के स्वभाव संस्कार तो धारण करती है कि नहीं करती है? करती है। भारत में 2000 साल पहले अलेक्जेंडर आया, कहां यूरोप से लेकर के यहां तक मारकाट मारकाट मचाते मचाते जलाया, उसे मनुष्य कहेंगे? वो मनुष्य था तो मन में उसने सोचा इस बात को किस तरह मारकाट मकाट चल जा रहे हैं, अपना साम्राज्यवाद बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर इसको हम भोग सकेंगे? यहाँ के एक मनन चिंतन करने वाले सन्यासी ने उसे फिर भी बता दिया, एक टुकड़ा हुआ बड़ा चमड़े का टुकड़ा लिया और जमीन पर डाल दिया,
कहा इधर खड़े हो, इधर खड़ा होता है तो इधर ऊंचा हो जाता है, इधर खड़े हो, इधर खड़ा हुआ तो उधर ऊंचा हो गया। माना एक तरफ जीतता जाता है और दूसरी तरफ जहां जीत करके आगे बढ़ता गया वो लोग सर ऊंचा जाते हैं, सर ऊंचा कर लेते हैं। क्या मतलब निकला? अरे स्वतः ही सहज ही जो कुछ मिलता है वो लेना अच्छा है या माँ का बता लेना अच्छा है? ये तो खूंखार खेल जानवर हो गया, उसको मनुष्य कहेंगे? मनुष्य है कि मनुष्य के वेश में जानवर है? जानवर है। ब्रह्मा बाबा पांच है, बाबा पांच ब्रह्मा है। ब्रह्मा के लिए गाय की बड़ी से बड़ी माँ, बड़ी से बड़ी माँ का पाठ बुझाने ज्यादा लेकर जाते हैं। इसके अलावा चार तो अधिक माँ है ना, नंबर माँ है वो, नंबर वन माँ की पांच माँ बन गई है तो वो पांच धर्मों की धारणा शक्ति है, पांच धर्मों को धारणा शक्ति धारण करने वाली माता है। माता का गायन भारत देश के लिए है या कोई दूसरे देश के लिए है? भारत देश है, भारत मातृ प्रधान देश है। इस मातृ प्रधान देश में ही पांच पांडव हुए हैं। ये पांच पांडव नंबर बार माताओं का सुख विधान करने वाले हैं। उनमें अब्बल नंबर माता कौन हुई सहन शक्ति वाली? दादा लेख राज हुई धर्म का राजा की आत्मा में तो बाबा माँ हो गई ना, है माँ, माँ है, लेकिन माँ का पार्ट ब्रह्मा जैसा सहन शक्ति का हो जाता है या कुछ नीचा रह जाता है?